बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद AFS। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट बिस्किट पुडिंग बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही इजी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 कप दूध लिया है, 1 कप चीनी लिया है, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 कप मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, 1/2 कप मैंने पीनट लिया है, 2 मैंने 1/2 रोल मैरी बिस्किट लिए। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन में मैंने दूध डाल दिया है और इसमें ये चीनी, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर को डाल करके इसे सही से मिक्स करूँगी आपस में, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। इसे बहुत अच्छी तरीके से हमें पहले मिक्स करना है। ये देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी कुकिंग करती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है। इस दौरान ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, देखें आप। मैं इसे मुसलसल चला रही थी और ये तकरीबन ये 7 से 8 मिनट में ये रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। बिस्किट को दूध में सिर्फ डिप करना है, बहुत देर तक नहीं रखना है। इसमें इस तरह से डाल करके और इसकी खाली जगह इसे भी इसी तरह से फिल करना है। फिर इस पुडिंग को गर्म ही इसके ऊपर स्प्रेड करना है। पुडिंग को ठंडा नहीं कीजिएगा, गर्म ही इसमें स्प्रेड करेंगे हम। इसकी फर्स्ट लेयरिंग हो गई है, अब हम इसकी सेकंड लेयरिंग करेंगे। फाइनल टॉपिंग कर ली है। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूंगी पीनट के साथ। आप कोई से भी नट्स ले सकते हैं, मैंने यहाँ पीनट लिया है। ये देखिए, ये मज़ेदार चॉकलेट बिस्किट पुडिंग तैयार है। रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।